और अब बात जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर की करेंगे, जहां पर दोबारा मुठभेड़ शुरू हो गई। आपको बता दें कि आज दूसरे दिन भी लगातार फायरिंग चल रही है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन उनमें से किसी की भी लाश अब तक बरामद नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि 6 से 7 आतंकी कल गांव में दाखिल हुए थे। उनकी घेराबंदी के लिए सेना के जवान कथार गांव में लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। पूरे गांव को खाली करा लिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर जो वहां पर रिहायशी इलाका है उसे खाली कराया गया है। ऑपरेशन में 5 टैंक भी शामिल हैं, उनकी भी मदद ली जा रही है। राज्य पुलिस, सेना, CRPF और BSF के करीब 800 जवान इस ऑपरेशन में लगाए गए हैं। ऑपरेशन में कमांडो और हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने वृहद स्तर पर यह ऑपरेशन चल रहा है। एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। रह रहकर फायरिंग सेना के जवानों की ओर से की जा रही। अब भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी छुपे हो सकते हैं अरनिया सेक्टर में। इसी के मद्देनजर वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। पूरे जम्मू इलाके में इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 जवान मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, जबकि 4 नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। मोर्चे पर टैंक भी तैनात है। 5 टैंकों की मदद ली जा रही है। और फिर से जो मुठभेड़ शुरू हुई है उसमें सेना के जवानों ने अपनी पोजीशन ले ली है और वो रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली की शुरुआत उधमपुर से करेंगे, जो कि सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है अरनिया सेक्टर से। ऐसे में किस तरह के वहां पर एहतियातन इंतजाम किए गए हैं? जी साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री जो है कुछ ही समय के बाद जम्मू लैंड करेंगे, उसके बाद वो उधमपुर जाएंगे और उधमपुर के बाद वो वहाँ पर जो है सुरक्षा के काफ़ी प्रबंध किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वहाँ पर वो अपना जो भाषण शुरू करेंगे और यहाँ पर आप सिक्योरिटी एजेंसी आप देख रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन बताएंगे, पोजिशन लेकर बैठे हुए हैं। फौज के कमांडोज हैं यहाँ पर आए हुए हैं और अभी 27 घंटे हो गए हैं कि ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक 4 आतंकवादियों के मारने की खबर थी, मगर आज जैसे ही सिविलियन लोग वहाँ पर उनकी बॉडीज़ को निकालने के लिए आर्मी और SOG के लोग गए हैं, उसके बाद तुरंत बाद जो है वहाँ पर फायर आया है और फायर अभी भी दोबारा शुरू हो गया। पहले फायर कुछ समय के लिए बंद हो गया था, आप देख रहे हैं ये इलाका पूरा साफ कर दिया गया है। ये जो छोटे टैंक्स हैं, जबकि ये पानी में से और कहीं किसी भी मौसम में जा सकते हैं, इनको बिल्कुल रेडी पोजीशन में रखा गया है कि वो आतंकवादी जो है बंकर में छुपे हुए हैं, अगर बंकर को तोड़ना है तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर से बंकर नहीं ख़त्म हो सकता है। इसलिए सबसे बेस्ट है कि आर्मी ने इनको अलर्ट कर दिया गया है। ये पूरा इलाका अभी यहाँ पर आर्मी, पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, सब यहाँ से भाग चुके हैं, पोजीशन ले चुके हैं और सारे जो है इस पर हाई अलर्ट किया गया है। और कितने आतंकवादी हैं, मगर ऐसा लग रहा है जिस तरह से फायर वहाँ से आ रहा है, 2 या 3 आतंकवादी और हो सकते हैं। मगर जो गांव वालों ने देखा है, जो कल ट्रैक्टर वाले ने देखा, उसने कहा है कि करीबन जो 7 से 10 आतंकवादी अंदर थे, मगर कितने आतंकवादी अंदर होंगे अभी अंदर से आप देख रहे हैं कि। चलिए अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरह से रुक रुक कर फायरिंग सेना के जवान कर रहे हैं। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से आतंकी फायरिंग कर रहे हैं, 2 से 3 आतंकी अभी भी छुपे हो सकते हैं अरनिया के सेक्टर में। इसी के मद्देनज़र वहां पर सुरक्षा और ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। 800 जवानों की संख्या वहां पर तैनात की गई है, जिसमें CRPF और BSF के जवान भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 5 टैंकरों की भी मदद ली जा रही है, यानी कि काफ़ी वृहद स्तर पर ये कॉम्बिंग ऑपरेशन और ये मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। 3 सेना के जवान इस मुठभेड़ में अब तक मारे गए हैं, जबकि अरनिया सेक्टर के कुछ इलाके जो कि रिहायशी इलाके हैं, वहां से गांव वालों को हटा दिया गया है, क्योंकि 4 गांव वालों के भी यानी कि आम नागरिकों के भी मारे जाने की खबर थी। लश्कर ए तैयबा के ये आतंकी बताए जा रहे हैं, जो रह रहकर फायरिंग कर रहे हैं। 2 से 3 ये आतंकी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी संख्या क्या है इस पर सेना ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है।